बिहार में भी कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अब तक इस वायरस की चपेट में बिहार के 15 लोग आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11 से बढ़कर 15 हो गई है। जानकारी के मुताबिक IGIMS में भर्ती 4 मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद बिहार के लोगों में दहशत और भी बढ़ने लगा है। ये लोग खगड़िया, सहरसा, बेगूसराय और मुंगेर के रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति की मौत एम्स में हुई थी, उसी संक्रमण चेन से अब तक 11 लोग पीड़ित हुए हैं। इसकी बड़ी वजह मुंगेर के सिविल सर्जन की लापरवाही बताई जा रही है। एक साथ 4 लोगों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। ये वो लोग हैं जो मुंगेर के मृत युवक के संपर्क में आए थे। उधर NMCH में भर्ती 2 महिलाओं की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव केस का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा पलायन को लेकर है। दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूर भारी संख्या में बिहार पहुंच रहे हैं। हालांकि बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, व्यवस्था सीमाओं पर ही हुई है, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पलायन की वजह से चिंता सता रही है। जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ रहा है, लोगों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के बाद उत्पन्न स्थिति को लेकर सरकार की लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। सचिवालय में मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें हालात को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में DGP गुप्तेश्वर पांडे, गृह विभाग के अपर सचिव आमिर सुभानी, स्वास्थ्य प्रधान सचिव, आपदा विभाग के प्रधान सचिव समेत कई अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, मुख्य सचिव और DGP साहब और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ अभी बैठक हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि अन्य राज्यों से आने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है और वो पहुंचने लगे हैं, तो हर ऐसे जिले में जो सीमावर्ती है, जिस जिले में सड़कें आती हैं दूसरे राज्यों से, मुख्य सड़कें, वहाँ सभी व्यवस्थाओं सहित बड़े बड़े कैंप सरकारी स्कूल या कॉलेज के भवन में बनाए गए हैं, जहाँ ठहरने की भी व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था है, और मेडिकल जांच सबसे पहले आने के बाद उनकी कराई जा रही है। और मेडिकल जांच में देखा जा रहा है कि किसी आदमी को कोई रोग होने का संदेह तो नहीं है और उसके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, तो उस मेडिकल जांच में अगर कोई आदमी ऐसा मिलेगा जो संदेह है, जिसके स्वास्थ्य पर जिसमें कोई वायरस होने की संभावना हो सकती है, तो उसको अलग करके आइसोलेट करके रखा जाएगा। तो फिलहाल ये व्यवस्था है कि बॉर्डर पर सभी जगहों पर सरकारी स्कूल या कॉलेज में कैंप लगा के ये काम किया जाए, और पूरा हिसाब किताब भी सूची बना के रखी जा रही है कि आने वाले किस जिले के, किस गांव के, कहां के रहने वाले हैं, ताकि ये ब्यौरा आगे के लिए कितने लोगों के लिए तैयारी की जा रही है। देखिए, हर जिले में अंदाजा है कि 5000 तक लोग भी आ सकते हैं, 3000, 4000, 5000 तक के लिए भी लोग आ सकते हैं, तो उस तरह से भवन लिए गए हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो अन्य जो वहां पर निकट के सरकारी स्कूल और कॉलेज होंगे बड़े, जिसमें बहुत से कमरे होते हैं, शौचालय होता है, हॉल होता है, उन सबको लिया जाएगा। तैयारी उसी स्तर की है, उसी संख्या की। सर, क्या फिलहाल उन लोगों को घर जाने दिया जाए? अगर वो सस्पेक्ट नहीं है, तबीयत खराब नहीं भी है, तो क्या उन्हें घर जाने दिया जाएगा? अभी उन लोगों को वहीं रहने के लिए कहा जा रहा है। अभी यही आदेश हो रहा है कि वहां रुक करके प्रतीक्षा करें। आदर्श तो 14 दिन के क्वारंटाइन का है, लेकिन अगर संख्या बढ़ेगी, संख्या अधिक होगी, तो इस पर बहुत जल्दी पुनः विचार करके निर्णय लिया जाएगा। यहाँ मुख्यालय में राज्य सरकार के स्तर पर दिन में 2 बार सभी अधिकारी बैठते हैं, 1 बार सुबह में, 1 बार शाम में, और सभी जगह से आंकड़े मंगाए जाते हैं और लगातार समीक्षा होती है, और जैसी स्थिति उत्पन्न होती है वैसा ही निर्णय लिया जाता है। लेकिन लोगों से मेरी यही अपील होगी कि जहां तक हो सके जो स्थानीय लोग हैं अपने घरों में रहें, कहीं जाने का इरादा न करें, बाहर न निकलें, और लॉकडाउन में सहयोग। सर, यूपी के अधिकारियों से सर क्या आप लोगों की बात हुई है? क्या वहां पर कहा जा रहा है कि अब लोगों को नहीं आने दिया जाए, वहीं रोका जाए, वहीं व्यवस्था की जाए? देखिए, एक विचार ये हो रहा है कि एक अंतिम तिथि तय हो जाए, जो अंतिम तिथि तक ही अनुमति हो, चूंकि अनुमति तो दे दी गई, और मुख्यतः दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में बसें प्रस्थान कर गई, कुछ बसें पहुंच गई हैं, कुछ पहुंचने वाली हैं। लेकिन अभी यही कहा जा रहा है कि जो लोग अभी आ रहे हैं
अगर उतने पर रुक जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बाहर जो लोग हैं उनके बीच ये बात फैल गई है कि अब बसें उपलब्ध हैं या जाने के लिए व्यवस्था है, इसलिए ये संख्या बढ़ सकती है। हम लोग चाहेंगे कि ये संख्या सीमित हो, और इसलिए हम लोग बहुत नज़दीक से इसको सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं। ये संख्या न बढ़े तो अच्छा है, यही हम लोग का प्रयास। सर, बंगाल और झारखंड से भी आने की कुछ सूचना है क्या? उधर से भी थोड़ी संख्या में झारखंड और बंगाल से भी आ रहे हैं। बहरहाल बिहार में स्थिति अगर ऐसी ही रही तो हालात बेकाबू हो जाएंगे, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर दिन बढ़ रहे मरीजों के आंकड़े को देखकर सरकार के तो पसीने छूट ही रहे हैं, साथ ही आम जनता भी अब ये मान चुकी है कि कोरोना से बचाव का कोई मार्ग किसी के भी पास नहीं है। हालांकि सरकार के आदेशों का ठीक ठाक पालन किया जाए तो ये परिस्थिति उतनी भयावह नहीं होगी। अब देखना ये होगा कि लोग सरकार के द्वारा दी गई हुई गाइडलाइंस को कितना फॉलो करते हैं, घरों में कितना रहते हैं, खुद को कितना साफ और सुरक्षित रख पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटीज।